नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फॉक्स एजु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन बहुत ही शानदार देखेंगे जो आपके होने वाली सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। यहाँ ये जो 10 मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आप विश्वास मानो ये पूरे साल होने वाले किसी ना किसी पेपर में आपसे मिलेंगे जरूर, वो इधर मिले या उधर मिले, लेकिन मिलेंगे जरूर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी 10 क्वेश्चंस है इसको आप अपने जो व्हाट्सएप नंबर है आपका उस पे इसको शेयर कर लेंगे और इस पे सभी के सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस आपको तकलीफ बहुत देते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास लेटर्स हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक नंबर दे दिया गया, यानी कि टाइम लिखा हुआ था 8 दे दिया गया। तो आपने जो जनरल पढ़े होंगे क्वेश्चंस उसमें आपने देखा होगा कि अगर मैं इन सभी नंबर्स को ऐड कर दूं तो क्या मुझे यहाँ पे मिल सकता है, मिल सकता है, लेकिन ये नंबर तो बहुत छोटा है ना। आते हैं जरा एक एक करके समझते हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 4। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे कितना बनेगा यहाँ पे, 8। तो देखो यहाँ पे ये कितने होने चाहिए, तो 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, यानी कि 7 मल्टीप्लाइड बाई अगर 2 करूं मैं तो यहाँ पे कितना बनना चाहिए, 14। बट गिवन कितना है यहाँ पे, 28। दैट मीन्स कि ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ये क्या चल रहा है, गलत। तो दूसरा काम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं ये देखूं कि यहाँ पे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के नंबर्स देखे हैं तो 2 और 2 दिए हैं, तो अगर मैं यहाँ पे ये देख लूं कि वॉवल्स या कॉन्सोनेंट मल्टीप्लाइड बाई 4 तो भी तो हमारा यहाँ पे 8 बन रहा है। देखो यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं हो रहा है क्योंकि 2 वॉवल भी है और 2 कॉन्सोनेंट भी है, यहां पे ये चीज कंफर्म होगी। अगर हम ये देखें कि 28 लेकर के आना है मुझे, कितना लेकर के आना है, 28, तो कॉमन नंबर मेरा क्या होना चाहिए, 4। अब देखते हैं जरा कि 1, 2, 3 और 1, 4 मतलब क्या है यहां पे, कि अगर मैं इस 4 वॉवल्स में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 × 7 = 28, यानी ये चीज कॉमन हो गई कि यहां पर हो क्या रहा है, वॉवल टोटल नंबर ऑफ वॉवल मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ गिवन लेटर। ये जब आप करोगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बड़े प्यार से आ जाएगा। तो देखो यहां पे टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं यहां पे मेरे दोस्त, 5। वॉवल्स कितने, 1 और 2, तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, क्लियर है। ये हमेशा ध्यान में रखना, एक आपको एक छोटी सी प्यारी सी चीज बता रहा हूं कि जितने भी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर होंगे अगर इसका सम यानी टोटल में से अगर यहाँ पे एक अंकों की संख्या लिखी हो या फिर किसी भी एक लेटर के बराबर हो तो आप यहाँ पे क्या करना, वॉवल वर्सेस कॉन्सोनेंट करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ना कि डायरेक्टली उस पर कूदाफानी करेंगे, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन था, देखते हैं जरा सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलो इसको देखो जरा और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा, तुरंत बताएंगे और तुरंत आगे बढ़ेंगे। और ये रिकॉर्डेड क्लास है तो आप इसकी स्पीड भी तेज करके देख सकते हो। दूसरी चीज कि जब इन क्वेश्चंस को आप देखो सोल्यूशन उसके पहले पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तो लिखो यहां पे, देखो जरा अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे 80 है, ये 14 है, टेक का पूछा है। हमेशा ध्यान रखना कि जहां पे छोटे नंबर्स हो ना उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। ये कितना है हमारा, 3, ये कितना होगा, 15, 18 और 5। तो देखो 15, 5, 20, 20, 40, 41, यानी कि अगर मैं ये देखूं तो यहां पे ये जो नंबर्स है इस नंबर के पूरे लेटर्स की प्लेस वैल्यू को अगर ऐड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन नहीं बन रहा। दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं यहां पे देखूं कि ये 5 है, मतलब कि 18 और 5, तो 18 और 5 की अगर हम बात करेंगे तो 18, 5 कितना होता है, 23। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 23 है और अगर मैं यहां पे ये इस तरीके से अगर कर लें तो 15, 5, 20, यानी कि 15, 5, 20, 18, 3, 21। देखो जरा इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, कैसे, बड़े प्यार से और आराम से देखते हुए चलेंगे। देखो अगर मैं यहां पे देखूं कि वॉवल्स की प्लेस वैल्यू ले लें, किनकी, वॉवल्स वाली, तो 15 और +5, तो 15 और 5 कितना बनेगा मेरे प्यारे दोस्त, 20। अब 20 में अगर मैं टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को मल्टीप्लाई कर दूं 4, तो यहां पे कितना बन जाएगा मेरे भाई, 80, यानी 4 × 8, यानी कि एक प्रोसेस ये हो सकता है जिससे मेरा एक कोड मिला, बट जो प्रोसेस उस पे वही प्रोसेस उस पे वही इस पे, ये नहीं कि यहां पे कुछ और किया यहां पे कुछ और, तब नहीं होगा हमारा। देखो यहां पे अब अगर यहां पे देखा जाए तो ये कितना होगा हमारा, 1 का कितना होता है, 1 + 9 का कितना होता है, 10।
तो ये कितना हुआ टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स की एड किया, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने 4, तो ये कितना हो गया मेरे दोस्त, ये हो जाता है हमारा 40, यानी कि 80 और 40 कैसे आ रहे हैं, तो अगर हम ये देखें कि टोटल नंबर ऑफ लेटर मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ गिवन वॉवल प्लेस वैल्यू, जैसे ही आपने इसको ऐड किया हमारा आंसर आ गया। तो यहां देखो आप जरा मेरे दोस्त, ये होता है 5, ये होता है 6, तो 5 + 1 = 6, और यहां पे मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4×6 = 24, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ये चीज क्लियर है आप लोगों को कि कभी भी अगर हमारे सामने इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जिनका प्लेस वैल्यू या अपोजिट वैल्यू को लेकर के सम ना बने, तो हमें ये देखना होगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो वॉवल वर्सेस कॉन्सोनेंट तो नहीं है। और ये ध्यान रखना, मैं वापस से एक चीज लिख रहा हूं यहां पे मेरे दोस्त, कि ये जो क्वेश्चंस हैं वॉवल वर्सेस कॉन्सोनेंट, तो मेरे प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन ना आप लोगों की जान लेकर के निकला बैठा है। आप एसएससी के किसी भी एसएससी DSSSB रेलवे CIFF किसी भी पेपर में बैठ जाओ, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सुबह शाम आप लोगों के नाक में दम किया हुआ है, लेकिन आपके पेपर में आता जरूर है। तो ये चीज आप लोगों को समझनी है कि जब सिलेक्शन लेना है तो क्वेश्चंस भी वही पढ़ो जो आपके पेपर में आता है, किसी के दिखावे के लिए क्वेश्चन पेपर को मत पढ़ना, ठीक है। चलो, उम्मीद है कि ये प्रोसेस आपके पूरा समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए जरा देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, समर्स का 65 दे रखा है और निकालना है आपको किसका, कमांड का, तो निकाले जरा देखो। चलो देखो, अब अगर यहां देखा जाए तो मुझे यहां तक ये लगता है कि अगर हम ये देखें तो 20 टोटल का सम तो नहीं है, ये टोटल का सम नहीं है, 3 × 2 = 5 × 2 = 7, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 7, 2 × 2 = 4 × 2 = 6 और 1 = 7, यहां पे भी टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 7, 2 × 2 = 4 × 2 = 6 और 1 = 7, यहां पे भी टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 7, 2 × 2 = 3 × 3 = 6 = 13, 5 × 7 = 35, 7 × 1 = 7। देखो अगर हम यहां पे ये देखें तो ये जो m की प्लेस वैल्यू है, एक बार इसको पहले एक बार ट्राई करके देखते हैं कि क्या यही बनेगा या कुछ और बन सकता है। अगर मैं यहां पे 13 और टोटल 13 का मतलब मैंने यहां पे क्या लिया कि 3 इधर 3 इधर और m की प्लेस वैल्यू 13, अब 13 में अगर मैं इसको माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो 7×21 मिडिल नंबर, 13 × 7 = 1, 7 × 7 = 8, यानी कि ये जो प्रोसेस है हमारा ये इससे भी नहीं हो रहा है अगर हम मिडिल वैल्यू को लेकर के चल रहे थे तब भी। तो इसका मतलब ये है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चल रहा है। तो लेकिन 13×5 = 63 और यहां पे अगर हम चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा मिडिल का 7, तो 4×7 = 28, 1, 2, 3, 4, 4×7 = 28 और यहां पे देखा जाए तो 7, देखो अगर हम इसको लें कि यहां पे 13 और मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी कि अगर हम इसके मिडिल को ले रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ वॉवल को ले रहे हैं तो 13×5 = 65 हमको नजर आ रहा है, ठीक है। फिर अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे हमारे सामने क्या चल रहा है कि प्लेस वैल्यू यहां पे कितनी है जी की 7, और यहां पे अगर वॉवल कॉन्सोनेंट की बात की जाए तो 1, 2, 3, 4, तो 4×7 = 28, ठीक है। यानी कि यहां पे जो ले रहा है वो कर रहा है टोटल नंबर ऑफ, या फिर इसको इजी वे में लिखा जा सकता है कैसे, तो देखो इजी वे में कैसे लिखा जा सकता है वो समझो,
कि प्लेस वैल्यू ऑफ मिडिल लेटर मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ गिवन कॉन्सोनेंट, ठीक है, तभी जाकर के ये क्वेश्चन हमारा बन रहा है। इस पे देखते हैं, फिर ऑप्शन चेक करेंगे, नहीं होगा कुछ और देखेंगे। यहां पे देखो कितना दिया है, 13 दिया है, और फिर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 और 1, 5, तो 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 6, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी ए होगा, ये हमारा राइट है। तो ये चीज क्लियर हो गई है मुझे लगता है, ठीक है। यहां पे कर क्या रहा है, तो यहां पे बहुत प्यारे से तरीके से इसने क्या किया है कि जो मिडिल है, सब में 7 7 मैंने देखा कॉमन था, 3 हमने इधर किया, तो मुझे ये दिख रहा था कि पहले 13 का 7 से किया तो नहीं बन रहा था। फिर हमने ये देखा कि जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने वोवल्स को मल्टीप्लाई किया था, तो यहां पे क्या कर रहा है कि मिडिल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट जो इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्लियर है बात? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो यहां पे प्रोसेस है वो हमारा यही है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब पहले मैं आपको 10 सेकंड और देता हूं अगले क्वेश्चन के लिए और तुरंत आप सॉल्व करोगे। चलो निकालो जरा, देखो 10 सेकंड का टाइम है, ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड ले लो और देखो कि जरा कितना है। 3 × 2 = 7, 4 × 3 = 5 और 3 × 3 = 6। देखो ज्यादा नंबर है, लेटर्स कितने हैं, बहुत ज्यादा है, नंबर क्या है, छोटा है, बस आपको यह ध्यान रखना होगा कि इसमें चल क्या रहा है। तो 1, 2, 3, 3 × 6, और अगर हम यहां पे बात करेंगे तो 5। चलो देखो जरा, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो यहां पे अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे अगर आप देखोगे तो 5 है, तो जैसे मैं आपसे कह रहा था कि अगर यहां पे देखें तो छोटे वाले से ट्राई करते हैं, बड़े वाले को छोड़ देते हैं, 1 और 2, 3। देखो 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6। यहां पे अगर आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4 और 1, 5, और मल्टीप्लाई अगर बात की जाए तो यू और ई ये कितने हैं यहां पे टोटल 10। तो अगर मैं ये देखूं कि वोवल मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सोनेंट, बस इतना लिख लो यहां पे, टोटल वोवल मल्टीप्लाइड बाई टोटल कॉन्सोनेंट, तो यहां पे भी और सिंपल है हमारा, कितने हैं 1 और 2, और माफ कीजिएगा 3 है वोवल, और कॉन्सोनेंट कितने हैं 1, 2 और 1, 3, तो 3 × 9, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ध्यान रखना आपको यह यहां पे कि यहां पे जो भी क्वेश्चन दिए गए ना, हमेशा परेशान नहीं होना है, जब भी नंबर छोटे बनते जाए बड़े बड़े लेटर्स को, तो आपको बड़ा और छोटा दोनों गिवन रहेगा, तो सबसे पहले छोटे को टारगेट करो, फिर एक बार क्रॉस चेक कर लो बड़े से और सीधे आंसर कर देना है हमको। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, जरा तुरंत बताओ फिर फौरन आगे बढ़ा जाए, और कमेंट में जरूर ये बताना ईमानदारी से झूठ बोल करके कि क्या क्वेश्चंस के लेवल आपको सही लगे, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, ठीक है। चलो फेमस 126 फाइन 84 और आपको कंसर्न का पूछ रहा है, तो चले बताएं जरा कि क्वेश्चंस क्या है कैसे है। हाँ चलो अगर हम यहां पे देखें तो देखो वापस से मैंने जो लास्ट में समझाया था, फिर यहां पे करेंगे, एफ का नंबर कितना 6, 9, 14 + 5, तो नहीं ये नहीं बनेगा किसी भी कीमत पे नहीं बनेगा। अच्छा ठीक है, दूसरा क्या देख सकते हैं, लेकिन 21 और 6, यहां पे अगर देखा जाए तो यू का नंबर कितना है 21, और यानी कि सेकेंड, यहां पे एन का नंबर है 14 और एफ का नंबर है कितना यहां पे 6, तो 4 × 6 = 24, ठीक है। तो अगर ये देखा जाए तो देखो जरा 6 का 1 के साथ तो 1, 6 × 2 = 12, और अगर हम यहां देखेंगे तो 4 × 6 = 6 और 2 = 8, समझो जरा क्या किया गया यहां पे। देखो बहुत चालाकी से एक छोटा सा काम किया है आपके साथ में, क्या किया है
कि फर्स्ट लेटर नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड लास्ट गिवन लेटर, ठीक है, यही नंबर क्या किया है, आपस में इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर निकाला हुआ है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये 18 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3 और 8 24, तीन ऑप्शन में दिया है, तो 3 एक कम 3 और 2 5, कितना हो जाएगा 54, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट होगा। तो ये ध्यान रखना है हमें कि इस क्वेश्चन के अंदर जो भी हमें यहां पे नंबर मिला है, तो सबसे पहले देखो बड़े वाले को ऐड टोटल ऐड करने की बजाय मैंने इसको टारगेट कर लिया कि छोटे का सम लिया तो सम नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर दूसरा नंबर देखा कि किस तरीके से आ सकता है, तो मुझे यहां पे ये दिख गया कि जो सेकंड लास्ट नंबर और इसके नंबर के बीच का जो मल्टीप्लीकेशन है वो यहां दिख रहा है। क्लियर चल रही है बात? चलो आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर एक सेकंड हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग प्लीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, आप लोग भी देख के लगाओ, बैठे हैं खाली, रिकॉर्डिंग हो रही है तो ठीक है, बट आप लोग भी इसको सॉल्व करें। हो गया? देखो अगर हम ये चलें तो 18 किस तरीके से बन सकता है, टोटल का तो सम करके ये आएगा नहीं, तो 18 और R का नंबर ही 18 होता है, तो यहां पे अगर हम देखें, अगर हम यहां देखें तो O का नंबर कितना हो जाएगा मेरा 15, और C का नंबर कितना हो रहा है 3, तो 15 और 3 18 तो मिल रहा है मुझे, लेकिन इसके अलावा अगर हम चलते हैं तो ये दिया हुआ है 72, तो R का नंबर 18, 1 2 3 18 और 1 19 और 18, तो ये अगर देख लिया है तो यहां पे हमने क्या लिया था, एक तो O का नंबर और एक C का नंबर, तो 1 2 3 1 2 3, तो यहां पे अगर हम देखें तो 1 2 3, यानी कि ये हो गया 18, तो और क्या ले सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये कितना हो गया 19 दूनी हो जाएगा 38, अगर हम यहां पे एक को भी और करते हैं तो, नहीं ये नहीं होगा, अठारह और एक 19, और इसमें कौन से नंबर, यानी कि 19 और एक 20, इन दोनों को अगर हम ले लेते हैं तो 15 18 18 और 18 18 दुनी 36 गुणे 2, यानी कि 72। देखो यहां पे ये देखा जाए तो यहां पे क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है, मल्टीप्लाई किससे कर दे रहा है फर्स्ट नंबर के साथ, किससे कर दे रहा है यहां पे फर्स्ट नंबर के साथ, फिर यहां देखा जाए तो 1 2 3 1 2 3, यानी कि अगर हम देखें यहां पे तो 18 प्लस 14, तो 8 4 12, 1 1 2 और 1 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 दुनी 6 3 3 9 96। देखो यहां पे क्या किया है, यहां पे किया है कि थर्ड नंबर दोनों साइड से, थर्ड नंबर फ्रॉम लेफ्ट प्लस थर्ड नंबर फ्रॉम राइट,
और इसमें मल्टीप्लाई किसका कर रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है हमारा फर्स्ट लेटर नंबर को, किसको कर रहा है, फर्स्ट लेटर नंबर को। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि यहां पे जैसे ही आपने इन दोनों मिडिल के नंबर्स को जॉइंट किया है, यानी कि 15 और 3 18 मल्टीप्लाइड 1 तो 18, फिर यहां पे क्या किया 18 दुनी 36 और 36 में 2 को किया तो हमने कितना हो गया 72, फिर यहां पे किया 18 प्लस 14 32 और 3 को किया तो कितना हो गया ये 96। क्लियर है, ठीक है, चलो फिर तो इसके आगे फिर अगली क्लास में देखेंगे कि इसमें आगे का क्या होता है। थैंक यू।